स्मॉल इशू वी हैव टू फाइट इट टुगेदर. जैसे प्ले में मैंने डिफरेंट जगहों पे ऑल द जो भी मुझे अपनी स्पीच में छोटी छोटी चीजें आप लोगों को समझानी थी, आई वाज जस्ट लाफिंग थ्रू एंड आई वाज जस्ट सीइंग कि कैसे आप एक एक चीज समझा रहे हैं, कैसे आप कह रहे हैं कि पनिशमेंट इज नॉट द ओनली सोल्यूशन, रिहैबिलिटेशन भी जरूरी है. एक एक्सरसाइज मैं आप सबको देना चाहूंगा. वी आर ऑल टेक्नो फ्रेंडली टुडे एंड आई होप यू ऑल विल डू इट. देयर इज एन एक्ट कॉल्ड एनटीपीएस एक्ट, जिसका अभी जिक्र एसडीएम साहब भी कर रहे थे. 1985 का एक्ट है जिसके अंदर अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. मैं शौकत अमलून शिकुलालम स्कूल का तालबिलिम. आज हमारा स्कूल एंटी ड्रग प्रोग्राम मुनसिब किया यहाँ पे, जिसके बारे में जो हमें खबर ये देता है कि जो हमारे यूथ जो हैं वो इस ड्रग्स में इन्वॉल्व हुए हैं, इन्हें हमें इस ड्रग से बचाना है, इनको हमें तालीम देनी है. और अगर जो माँ बाप जिनके बच्चे इन ड्रग्स में इन्वॉल्व हुए हैं उन्हें भी अपने बच्चों को इस ड्रग से रोकने की भरपूर कोशिश करनी है. आपकी क्या मसले रहेगी उन माँ बाप और उन यूथ्स के लिए जो ड्रग्स का शिकार हुए? मेरी उनसे ये सजेशन है कि जो ये माँ बाप है उन्हें अपने बच्चों को उसी हिसाब से जो मनी है वो देना चाहिए जिससे वो उनकी फुल नीड फुलफिल हो. उनको उतना ज़्यादा पैसा नहीं देना चाहिए जिससे वो ड्रग्स वगैरह खरीदे, और इन पर नज़र रखनी चाहिए. बताइए जो आपने आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे रखा था, एक्चुअली इसके रिगार्डिंग हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी ऑर्डर है कि हर एक स्कूल या इंस्टीट्यूशन जो है उसमें जो है एंटी ड्रग कैंपेन या प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज करने हैं. तो उस जमन में हमने यहाँ पे आज एक प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया था. इस प्रोग्राम में जो है हमने सब डिविजन कंगन के जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें SDM साहब कंगन जो है वो शामिल हुए, और यहाँ पे SDPO कंगन या हम यहाँ देखते हैं BDC कंगन या डिफरेंट PRIs जो है उनको यहाँ पे मौजूद किया था. इसके अलावा यहाँ पे ZDO साहब भी इसमें शामिल हुए थे या डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ को हमने यहाँ पर मदद किया था. इस प्रोग्राम का जो है मेन मोटिव यही था कि हम एक जो है एक मैसेज जो है एक सोसाइटी तक पहुँचाए कि जो हमारी सोसाइटी में ड्रग्स जो है जो फैल रहा है इसको जो है वो कम किया जाए, और इसमें हम हर एक की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम समझें ताकि ये ड्रग्स जो है वो कम से कम हो. आपको क्या लग रहा है कितना रोल जो है प्ले कर सकता है एक स्कूल इस मेहनत को ख़त्म करने? देखिए स्कूल का भी अपना रोल है, लेकिन पेरेंट्स का भी एक रोल है, या पुलिस का भी अपना रोल है, या एडमिनिस्ट्रेशन का भी अपना रोल है. लेकिन स्कूल लेवल पे हम ऐसा कर सकते हैं कि जिस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मैच्योर स्टूडेंट्स हैं, लाइक हमारा हाई स्कूल है यहाँ पे 9th या 10th या 8th क्लास के स्टूडेंट वो मैच्योर है, हमें यहाँ पे उनको सुपरवाइज प्रॉपरली करना है ताकि वो जो है वो गलत कंपनी में ना बैठे, और यहाँ पे ज़्यादा टाइम वो स्पेंड करते हैं. इस चीज़ में हमें स्कूल का एनवायरमेंट भी ऐसा क्रिएट करना है, या अगर कोई स्टूडेंट जो है वो घर में किसी ऐसी कंपनी में बैठता है या जिसमें वो ड्रग्स में मुलवस हो रहा है, तो हमें यहाँ पर उसको एक प्रॉपरली गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं जिसके जरिए से वो वापस ट्रैक पर आ सकता है. दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले.